हेलो एवरीवन, मैं वंदना और डेविलिशी डिलीशियस में आपका स्वागत है। हम कितनी ही तरह की नई नई मिठाई क्यों न बना लें, पर जो ट्रेडिशनल मिठाइयों का स्वाद होता है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। तो आज इसी को ध्यान में रखते हुए मैं लाई हूँ बादाम का हलवा, बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल का बटन दबाना ना भूलें। और आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बादाम के हलवे के लिए करीब मैंने यहाँ पे 500 ग्राम बादाम ली है और यहाँ मैंने गर्म पानी लिया है। इस बादाम को मैंने करीब 2 घंटे के लिए गला दिया था और अब मैं इसे गर्म गर्म पानी में डाल रही हूँ। गर्म पानी में सिर्फ इसलिए कि जो इसका छिलका है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो हम इसमें सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे गलाएंगे। करीब 5 से 7 मिनट हो गए हैं पानी में और ये देखें इसका छिलका है जो बहुत ही आसानी से निकल रहा है इस तरह से। तो मैं सभी बादाम को इसी तरह से छील लेती हूँ। यदि आप इस तरह से बादाम नहीं करना चाहें तो डायरेक्ट आप इसे गर्म पानी में भी गला सकते हैं। तो हमारी सभी बादामें छिल गई है, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ मिक्सचर में हम थोड़ी थोड़ी बादाम करके डालेंगे। और इसे पीसने के लिए हम पानी का यूज नहीं करेंगे, हम इसमें दूध डालेंगे। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने बादाम को दूध के साथ पीस लिया है, थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला था और देखिए इस तरह से ये इसका एक पेस्ट तैयार हो गया है। मतलब इसमें थोड़े थोड़े दाने हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम बारीक हुआ है, इसमें बहुत ही महीन महीन दाने हैं। यहाँ इसे सेकने के लिए मैंने करीब 350 ग्राम घी लिया है। घी की जरूरत और रहेगी तो हम और लेंगे, अभी के लिए मैंने एक बार 350 ग्राम घी लिया है। तो अब हम इसे सेकने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने करीब आधा घी डाला है, जो 350 ग्राम मैंने घी निकाला था उसमें से एक बार का आधा घी डाला है। अब हम जो बादाम हमने पीसी है ये पेस्ट हम इसमें डालेंगे और इसे हम लो और मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे सेकते हुए हिलाते रहेंगे। इसकी फ्लेम बिल्कुल भी हाई ना करें क्योंकि ये जितनी लो फ्लेम पे सिकेगा उतना ही ये बहुत अच्छे से सिक के रेडी होगा। मैंने इसमें इतना घी डाला था और सभी अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। हमें इसे बहुत ही पेशेंसली सेकना है। इस हलवे को सेकने में करीब करीब मुझे 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा, मतलब मुझे इसका गोल्डन कलर चाहिए, तब तक हमें इसे सेकना है। करीब मुझे इसे सेकते हुए आधा घंटा हो गया है और पहले से इसका कलर भी चेंज हो गया है। मैंने इसे थोड़ा इजी करने के लिए 2 कढ़ाई में सेका था, तो अब मैं दोनों को एक साथ मिक्स कर लेती हूँ। क्वांटिटी ज़्यादा हो तो 2 कढ़ाई में सेकना थोड़ा इजी हो जाता है, थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है, मैंने इसमें बीच बीच में भी घी डाला था, तो मैं इसमें अभी थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ। हमें इसे अभी थोड़ी देर और लो फ्लेम पे ही सेकना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसका अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये देखिए आप, इसमें घी भी छूटने लगा है थोड़ा थोड़ा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी और डाला था, तो टोटल यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बादाम में 400 ग्राम घी लिया है। अभी यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दिया है और कढ़ाई बहुत गर्म है, इसलिए मैं इसे लगातार चलाती रहूँगी क्योंकि ये यदि कढ़ाई में रह गया और हमने इसे हिलाया नहीं तो इसके जलने के चांसेस रहेंगे। हलवा रेडी है, खाने के लिए रेडी नहीं है, खाने के लिए अभी इसमें शक्कर और दूध मिलाना है, बट मैं इसे स्टोर करूँगी, इसके लिए मैंने ये ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाया था। तो अभी मैं सारे में दूध और शक्कर नहीं डालूंगी, मैं बहुत थोड़ा थोड़ा जब भी हलवा खाते हैं तभी उसमें दूध और शक्कर डालती हूँ।
यदि आपको लगता है कि आपके हलवे का कलर बहुत डार्क हो गया है तो आप इसे इमीडिएट इस कढ़ाई से खाली कर दें, और आपको लगता है कि नहीं इसका कलर एकदम परफेक्ट है तो आप इसे इसी में रहने दीजिए ताकि कढ़ाई जो गर्म है उससे ये थोड़ी देर और इसका कलर अच्छा सा आ जाएगा। यदि आप 500 ग्राम बादाम के हलवे में एक साथ शक्कर डालना चाहें तो यहाँ करीब करीब 400 ग्राम शक्कर जाएगी, और यदि आप 250 ग्राम बादाम का हलवा बना रहे हैं तो उसमें 200 ग्राम शक्कर जाएगी और 200 ग्राम ही उसमें घी जाएगा। मैंने सभी इंग्रेडिएंट और मेजरमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं। मैंने यहाँ पर एक बाउल में बिना शक्कर का हलवा निकाल लिया है जिसे मैं स्टोर करके रखूँगी। अब हम थोड़े से हलवे में शक्कर और दूध डालेंगे, तो मैंने गैस को वापस चालू किया है। पहले के टाइम में मिठाइयों के मेजरमेंट एकदम परफेक्ट होते थे, बट आजकल कम घी और कम शक्कर की मिठाइयाँ खाई जाती है। किसी किसी को ज़्यादा घी और ज़्यादा शक्कर अभी भी पसंद आती है, पर मोस्टली लोग कम घी और कम शक्कर की मिठाइयाँ पसंद करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी यहाँ शक्कर और घी की क्वांटिटी ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर करीब 5 टेबल स्पून के करीब ये हलवा है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध, और दूध डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध अच्छे से मिक्स हो गया है, अब मैं इसमें करीब 3 टेबल स्पून शक्कर डाल रही हूँ। आप यदि मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें और शक्कर डाल सकते हैं। अब हम इसे वापस अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसके और अच्छे कलर के लिए यहाँ पर थोड़ी केसर भी ऐड कर सकते हैं। जब इसमें मैंने दूध डाला था उसी टाइम आप थोड़ा सा केसर दूध में घोल के डाल सकते हैं। रेडी है बादाम का हलवा। अब हम इससे थोड़ा सा पिस्ता से गार्निशिंग करेंगे। आप पिस्ता नहीं तो बादाम भी डाल सकते हैं। यह बिना शक्कर वाला है और यह शक्कर वाला है, कलर में थोड़ा सा चेंज है। तो आप जरूर ट्राई करें मेरी ये रेसिपी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।